हाँ जी, कदों तो तुहानूं इह परेशानी आ रही है? ये 3 दिन हो गए जी, बहुत बारिश हुई सी। बारिश होने करके अपने सारा रेलवे ब्रिज पानी भर चुका है, तो आने जाने वालों को बहुत परेशानी हो रही है। निक्के निक्के बच्चे, वो देखो बच्चों ने स्कूल जाना है, वो बहुत परेशान है। 10 पिंड लगते इस रोड नू, ते लोग नू आन जान, ते उधर देखो मोटरसाइकिल किवें आदि जान जोखिम च पा के लोग रेलवे क्रॉस कर रहे हैं। प्रशासन इनकी कोई सार नहीं ले रहा। प्रशासन को चाहिए, जिवें 3 दिन हो गए पोल बंद पई हैगी है, भी उन्होंने आ गए तो कोई इन्हों का मुलाजम नहीं आया, कोई उन्होंने कुछ कराया नहीं है, तो लोग बहुत परेशान ने। ये पुल जे 5-10 दिन पानी होर खड़ गया, ये पुल सारा डैमेज हो जाएगा। जो कि उत्थे ट्रेन दी लाइना भी, ट्रेन दी लाइना पानी क्रॉस हो रहा, जिथे रेलवे बैठ रही हैगी है, रेलवे लाइन बैठ रही है। जि कोई सरकार रेलवे प्रशासन को बेनती करते हैं कि इस चीज़ का जल्दी हल किया जाए। जेकर प्रशासन इनका हल नहीं करता तो आने वाले समय असी ट्रेना नू भी रोकांगे। आ वेखो छोटे छोटे बच्चे अज 3 दिन तू परेशान ने, यह लाइन 15 पिंडा नू रोड जांदा है, इस करके इनका जल्दी तो जल्दी हल किया जाए। प्रशासन नू चेतावनी दिंदे आ, जे 2-3 दिन दे विच हल ना होया तो असी आने वाली सारिया ट्रेना नू इत्थे रोकांगे ते अगे वड्डा कोई एक्शन लवांगे। की कहना चाहोगे भाजी? असी ये कहना चाहते हैं जी भी 1-2 दिन इस फाटक का कोई हल ना होया तो असी आने वाली सारिया ट्रेना इत्थे ही रोकांगे। तो इस करके असी प्रशासन को यह बेनती करने हैं कि इस पुल का तुसी पानी वेखो, लगभग 18 तो 20 फुट पानी खड़ा है, जिंदे विच छोटे छोटे बच्चे आ वेखो जी, स्कूल की वैन डेली इतों लिया के बच्चे सानू चढ़ाने पैंदे आ ते लिजाने पैंदे आ। तो इस करके असी बेनती करते हैं भी इस फाटक का कोई ना कोई हल किया जाए, जिनी देर पानी नहीं सुकता उपरों आरजी फाटक बना के सानू दिता जाए। किस तरह की परेशानी आ रही बच्चों? परेशानी आ रही है, देखो 3 दिन हो गए बच्चों रोज़ घरों लिया के रेलवे स्टेशन इतने लाइन के उत्ते, इधर वैन आती है रोज़ छड़ना पैंदा, रोज़ लैके जाना पैंदा जी, दिक्कत बहुत आ रही है जी। ठीक है, धन्यवाद।